न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का हुआ ऐलान। इन खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह। हार्दिक पांड्या बने टीम इंडिया के कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। न्यूजीलैंड और भारत के बीच वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद T20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम की स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया किस स्क्वाड के साथ मैदान पर उतरेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये तीनों मुकाबले कब खेले जाएंगे और इन मुकाबलों को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और ये मुकाबले कहां पर खेले जाएंगे। इस सीरीज से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज का आगाज बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम की स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। हम बात करें भारतीय टीम के कप्तान की, तो यहाँ पर कप्तानी हमें हार्दिक पांड्या करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर इसके अलावा इस टीम की बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है, जहाँ पर सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा जैसे दमदार खिलाड़ी हमें वापसी करते हुए दिखेंगे। तो इनके अलावा संजू सैमसंग, साथ ही साथ यहाँ पर ईशान किशन भी हमें टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा गेंदबाजी की हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज, साथ ही साथ हर्षल पटेल, कुलदीप यादव को, साथ ही साथ युजवेंद्र चहल को भी टीम इंडिया मौका देने वाली है। वैसे यहाँ पर देखें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। तो वहीं पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, साथ ही साथ यहाँ पर लोकेश राहुल जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी में यहाँ पर मोहम्मद शमी भी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें इस सीरीज के पूरे शेड्यूल के, आखिरकार ये मुकाबले कब खेले जाएंगे और कहाँ पर खेले जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला मुकाबला जो कि विलिंगटन में खेला जाएगा, यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। तो वहीं पर दूसरा T20 मुकाबला जो कि माउंट के मैदान पर खेला जाएगा और यह मुकाबला 20 नवम्बर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। तो वहीं पर तीसरा मुकाबला जो कि 22 नवंबर को नेपिर में खेला जाएगा और यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे ही शुरू होगा। यानी कि तीनों ही मुकाबले दोपहर 12 बजे ही शुरू होंगे। इन मुकाबलों का आगाज 18 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो वहीं पर फाइनल मुकाबला जो कि 22 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड की, तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो बल्लेबाजों में यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और सुमन गिल जैसे दमदार खिलाड़ी टीम के पास मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, साथ ही साथ यहां पर हार्दिक पांड्या जो कि टीम इंडिया के कप्तान है, शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर विकेट कीपर बल्लेबाजों की हम बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर टीम की स्क्वाड में ऋषभ पंत, ईशान किशन, साथ ही साथ संजू सैमसंग जैसे 3 दमदार खिलाड़ी मौजूद है। यानी कि 3 विकेट कीपर टीम इंडिया के पास मौजूद है। तो वहीं पर गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, साथ ही साथ हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को भी टीम इंडिया मौका देने वाली है। वैसे यहाँ पर देखें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है जो यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए, आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।